सीधे रख बे जो टोपे। पॉइंट से वहां से गई है भाई, वहां नीचे, वहां देखो आप कितना जूम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो टाइम हो रहा है दिन के 2 और आज मौसम भाई थोड़ा थोड़ा खराब है। और आपको मैं बता दूं, हमने अपनी राम प्यारी को लगवा रखा है मलिंग के लिए, यानी कि किन्नौर से आगे काजा वाले रोड पे पाई है। ऐसा मुझे पता नहीं कि किन्नौर में पड़ता है या स्पीति में पड़ता है, अब ये मेरे को गूगल करना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ दाड़ला घाट। तो दाड़ला घाट में पहले क्या करेंगे, गाड़ी में डीजल फिल करवाने जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर लोड करेंगे गाड़ी, उसके बाद चलेंगे सफर में। अभी क्या करते हैं, अभी घर से निकलते हैं, जुखाला था तो जुखाला से निकलता हूँ, फिर आगे का सीन आपको आगे बताता हूँ। सो दोस्तों अभी पहुँचे कुछ ऐसी जगह, और यार इस गाड़ी में क्या फॉल्ट है ना कि मे बी ये 15 या 16 मॉडल है, तो इसका ना स्टीयरिंग थोड़ा मेरे को भारी लग रहा है बहुत ज़्यादा, और क्लच भी थोड़ा भारी है। बाकी है तो बहुत प्यारी चलने में, बहुत ही मतलब जम के चलती है और बहुत ही बिंदास चलती है, मगर ना थोड़ा स्टीयरिंग भारी लग रहा है यार घुमाने में। पता नहीं मुझे ही लग रहा होगा या फिर मैंने बहुत दिनों के बाद ट्रक चलाया तब लग रहा होगा, इसमें कोई वो नहीं है। और मौसम ना 2-3 दिन के लिए ख़राब बताया है, और तभी मैंने गाड़ी भी भाई स्पीति के लिए लगवाई। तो पता नहीं क्या होने वाला है इस वाले ट्रिप पे, अब आप लोग इंजॉय करोगे मतलब इस वाले पे। उम्मीद है कि इस बार स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है ऊपर स्पीति में पहुँच के। अपनी गाड़ी में टायर का इशू है, वो मैं आपको गाड़ी के पास पहुँच के बताऊँगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, जितने जल्दी हो सके अंबुजा पहुँचते हैं। तो दोस्तों अभी रुका हूँ कुछ ऐसी जगह और फिल्टर साफ़ करा रहा हूँ भाई। एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा था भाई, एयर फिल्टर साफ़ कर रहे हैं, और गाड़ी मैंने वहाँ सामने लगाई भी है। सो दोस्तों पहुँच गए अपनी राम प्यारी में, और लाइन में आप लोग को पता लग ही रहा है वैसे कि लाइन में लग गया हूँ। तो लाइन से जा रहा हूँ लोडिंग के लिए भाई, और मौसम भाई 4 दिन ख़राब बताया, हमारी कुछ ना किस्मत ही ख़राब है, बस भगवान का नाम लेंगे और चल पड़ेंगे पहाड़ों की, और जो होगा देखा जाएगा, है ना। अब कटवाई तो है ही गाड़ी, जाना तो पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ भाई नहीं जाऊँगा, ये बहाना बहाना तो आपको पता है हमारे पास चलता ही नहीं है। तो अपन लोड करेंगे गाड़ी और निकल जाएंगे डायरेक्ट, अभी अंदर चलते हैं कंपनी के अंदर, बहुत दिनों के बाद सीमेंट लोड करेंगे। सो दोस्तों गाड़ी तो लोड कर ली और तिरपाल विरपाल भी बांध लिया, बाकी गाड़ियां वहां लोडिंग के लिए लगी हुई है आप लोगों को जैसे मैं हमेशा दिखाता हूं। तो अभी अपने पास यही तिरपाल है प्लास्टिक का, और ऊपर स्नोफॉल होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, तो अपन ने पीछे भी चलता सा भी बांधा क्योंकि एक गाड़ी और अपने साथ जाएगी, तब पूरा सेट करूँगा। अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं यहाँ से, वेट करवा के टायरों की हवा चेक करवाएंगे और डीजल फिल करवाएंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल चलते हैं गाड़ी के अंदर, भाई ठंड बढ़ रही है बेरहम। दोस्तों क्लिंकर की डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भाई दुनिया भर की खिचड़ी पड़ी हुई है। देखो आप किस तरह से लाइन लगी हुई, पीछे तो बड़ी भसूड़ पड़ी हुई थी, दुनिया परेशान हो गया, मैं तो गाड़ी निकालता यहाँ तक लेट हो गया यार। अभी पहले डीजल फिल करवाना है, फिर उसके बाद आगे 400 किलोमीटर का सफ़र है भाई पहाड़ों का, और पहाड़ों में आज बर्फबारी और लैंडस्लाइड, पता नहीं क्या क्या बताया हुआ है। आपका भाई ठहरा डरपोक बंदा है ना, ऐसा नहीं है यार, हम नॉट अ डरपोक का है ना। अब वो वाली बात है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मौसम भी चले जाएंगे, अब गाड़ी लगवाइए तो जाएंगे। दिक्कत जाने से नहीं है, दिक्कत है कि यार ऊपर ना यार तेल और पानी पुनी सब जाम हो जाता है, तो गाड़ियों में ट्रक में दिक्कत हो जाती है। और मेरा ट्रक आपको पता है बेचारा राम प्यारी बहुत दिनों से वैसे ही परेशान थी कि मैं खड़ी हूँ मुझे चला नहीं रहा है, तो आज राम प्यारी ऑन द रूट हुई है। और भाई दाड़ला घाट में आपको एक से एक बेहतरीन गाड़ियाँ मिलेगी, बलबीर भाई ने लोहे बड़े सेक्सी डाल रखे है गाड़ी में, वक्त सब दिखा है, पता नहीं भाई क्या लिखा है, मेरे समझ में नहीं आया, है ना भाई। अगर आप भाई मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये क्या लिखा था। और आगे फिर से खिचड़ी, दुनिया भर की खिचड़ी पड़ी हुई है भाई। ओ भाई खिड़की खुली रख गया वाह, कौन है इसका मालिक। सो दोस्तों आज बड़े अरसे के बाद हमारी राम प्यारी की
टैंक फुल हो रहा है, देखते हैं कितना लीटर इसमें तेल हम लोगों ने बचा रखा था और कितना इसमें पड़ेगा। तो दोस्तों रामपैरी में पड़ा 310 लीटर तेल भाई, बहुत ही ज़्यादा तेल पी गई आज। इसका नाम है भाई रामपैरी। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो दिन हो गया अगला और सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं। कल क्या हुआ था कि कल डीजल लेट फिल हुआ, 11 बज गए थे घर पहुँचते, फिर खाना वगैरह खाया और सो गए। तो अभी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करी है ना, और अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टारगेट क्या रहेगा कि रात तक, आधी रात तक या सुबह तक अपन हाफ साइड या लिंक साइड पहुँच जाए। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ से चलते हैं, पूजा वगैरह हो गई और मेरे साथ एक ये है और एक मेरा भाई है वहाँ बैठा, वो फ़ोन सुन रहा है अभी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, पहले हवा चेक करवानी है गाड़ी में, हवा चेक करवाएंगे फिर फिल्टर भी करवा ही लेंगे साफ। वैसे तो मैंने साफ करवाया था जब प्लांट बंद हुआ था, फिर से करवा लेंगे। तो यहाँ से सफ़र में चलेंगे। सो दोस्तों अभी रुके कुछ ऐसी जगह बथाड़ में और दाड़ला घाट से अभी तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे, 15 किलोमीटर मैक्सिमम आए होंगे। यहाँ पे क्या था कि मैंने आपको बताया था कि फ़िल्टर भी साफ करवाना है, वो भी करवा रहा हूँ। और टायरों में ना जैसे 2-2.5 महीनों से गाड़ी खड़ी थी तो हवा भी कम हो गई थी, तो टायरों में हवा भी चेक करवाई अपने पास। और चेला कपड़ा मार रहा है गाड़ी को अभी। और मैं यहाँ बताऊँ ना आपको, तो मेरे पास ना एक टायर रिस्क वाला काम क्या है मलिंग जाने के लिए, कि ये टायर मेरे पास गंजा है और मेरे पास कोई स्टपनी भी नहीं है। तो अभी हमारे से आगे एक और गाड़ी गई है, वो हमारा वेट कर रहे होंगे तब भी अच्छा है। अगर मान लो दिक्कत हो भी जाती है तो कोई ना कोई मिल जाता है ट्रक वाला भाई, तो उनसे हम हेल्प ले सकते हैं कि भाई हाँ यार मदद कर दो या कुछ भी। बंदे ने एक साइड को कपड़ा मारा, दूसरी साइड को नहीं मारा क्यों? तो दोस्तों अभी पहुँचे हैं शिमलो से 2 किलोमीटर पीछे कुछ ऐसी जगह, और यहाँ पे मैं तो गाड़ी चला रहा था, मुझे तो नहीं दिखा, मगर भाई बैठा था उसने देखा कि उस जगह पे नीचे भाई खड्ड में, अब दिख रहा होगा आपको जूम पे, एक कैंटर गाड़ी गिरी हुई है और पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है भाई गाड़ी। और ये गाड़ी उस पॉइंट से वहाँ से गई है भाई वहाँ नीचे, वहाँ देखो आप कितना जूम नीचे जाके भाई, कुछ इस तरह की गाड़ी थी जैसी ये सामने से आई है। गाड़ी आ रही है, ये जो गाड़ी है दोस्तों, इन रोडों में ट्रक वगैरह चलाना बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि बहुत ही सिंगल रोड है, कोई आइडिया नहीं होता कि उतराई है या चढ़ाई है ना। तो मेरे जितने ड्राइवर भाई मुझे देखते हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन रोडों में अगर आपको नींद लग रही है तो सो जाओ, या फिर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट है तो गाड़ी रोक के उसको ठीक करवा लो, क्योंकि यहाँ पे सीधा जान का डर है। यहाँ पे कोई ऐसा अपने पास ऑप्शन नहीं बचता कि यहाँ मार दूँ वहाँ मार दूँ बच जाएंगे। आप लोगों को मैंने अभी गाड़ी दिखाई, अब पता नहीं बनता, अब यह ऐसी होप कोई नहीं है कि यहाँ से गिर के बंदा बच जाएगा, बहुत ज़्यादा खाई है नीचे को। अपन चलते हैं वहाँ, हमारी गाड़ी इतने दूर लगी है भाई। मित्तू चला रहा है ट्रक, इसको पता नहीं है इसको फटने वाली है। हर सीधे रख बे जो टोपे। दोस्तों अभी तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, मेरे ख्याल 4 बजने लग गए। और मैं पहले आपको बताऊं, हमारे रामपैरी में एक फॉल्ट पड़ गया। फॉल्ट क्या पड़ा यार, कि पता नहीं ये किसने किया, ये बहुत अंदर हो गया, पहले बाहर था सेफ्टी बम्पर, अब अंदर हो गया भाई है ना, ये बहुत ही अजीब लग रहा है, इसको वापस आके ठीक करवाएंगे। और अभी क्या सीन है कि झुनझुन पहुंचे हैं
तो यहाँ पे मेरा भाई, आप लोगों ने मेरे साथ देख लिया है भाई तू, तो उसको यहाँ पे भेड़ पालक मिल गए, तो वो निकल गया कि रुक जा 5 मिनट में थोड़ा जाया हूँ, मिल रहा हूँ इन भेड़ पालकों से, उसके बाद अगला सीन देखते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। देख रहे हो आप, यहाँ घोड़े हैं और जगह भाई बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। देखते हैं भाई गद्दी कहाँ जैसे है। भाई ये गाड़ी नहीं हिल रही है, बंदा हिल रहा है जानबूझ के। सो दोस्तों अभी रात के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं और मैं पहुंचा अभी ज्यूरी। तो आपको पता है कि मैंने जो सीमेंट लोड किया है वो आर्मी वालों का है, तो यहाँ पे ज्यूरी में एक चेक पोस्ट है वहाँ सामने। यहाँ पे क्या चक्कर है कि यहाँ पे इस पर मोर लगवाने पड़ती है, एंट्री करवानी पड़ती है यहीं पे, उसके बाद फिर आगे गाड़ी मलिंग में खाली होगी, तभी होगी। तो गाड़ी मैंने रोड के भाई उस तरफ को लगाई हुई है, अभी अंधेरे में इतना खास दिख भी नहीं रहा है ना। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, आगे खाना वगैरह खाएंगे फिर, क्योंकि रात पूरी लगेगी तो फिर रात लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि कल खाली करके परसों फिर से भाई 12 चक्का लेके रोपड़ जाना है। तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और मैं पहुंचा त्रंडा माता के पास, और मैं दोस्तों मेरी गाड़ी में एक फॉल्ट आ गया है, वो देख रहे हो आप सामने, जो मेन बटन है वो टूट गया है भाई। अब इसके चक्कर में ना बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा, बहुत ही शांति से, क्योंकि गाड़ी दौड़ा भी नहीं सकते भाई, खड्डे हैं, बहुत दिनों के बाद गाड़ी चलाई तो शायद उसी वजह से टूट गया। माता के दर्शन कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद यहाँ से आराम से आगे चलेंगे दोस्तों। सो दोस्तों अभी रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं स्पिलो, रह गया मतलब 10 किलोमीटर के आसपास, और भाई गाड़ी में डिफेक्ट होने की वजह से ना गाड़ी दौड़ा नहीं रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं। खाना भी अभी खाया नहीं है, पैक करके लाए हुए हैं, मगर आगे जैसे खाएंगे। और भाई टेम्परेचर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी टेम्परेचर है तकरीबन -7 से -8 डिग्री सेल्सियस के आसपास, भाई ठंड बहुत ही खतरनाक वाली है ना, और हाथों में ग्लव्स भी नहीं है, वैसे ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो अभी आगे सोच रहा हूँ कि पू तक चलेंगे, फिर पू सो जाएंगे, पू से फिर सुबह चलेंगे, पू से क्योंकि सफ़र ही 30-35 किलोमीटर के आसपास रहता है, तो वो सुबह करेंगे। और अभी पू तक निकलते भी दोस्तों तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे, यानी कि 4 बजे तक पू पहुँचेंगे शायद, या उससे बाद ही पहुँचेंगे, उससे पहले पहुँचने के तो चांस नहीं है, मगर चलो ये ज़िंदगी ऐसी है। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं तकरीबन 3:30 और भाई मैं पहुंचा पू, यहां से रहता है तकरीबन सुबह 40 किलोमीटर के आसपास। तो सोच रहा हूं कि मलिंग में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था गाड़ी स्टार्ट करने की दिक्कत हो जाती है ना, तो यहीं सो जाऊंगा, और गाड़ियां भी जो उदाला घाट गई वो ये मेरे से पीछे थोड़े पीछे रखी हुई है वहां सो गई है। और टेम्परेचर अभी -10 से -11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और पाँव मेरे पूरी तरह से सुन्न हो चुके हैं भाई, तो अभी यहीं पर सो जाएंगे, ऐसे प्लान है। बाकी कल देखेंगे, तो व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया शायद, तो इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए जय श्री राम।